लोग भी तो अखिलेश जी, फिर लोग भी, फिर अखिलेश जी फिर लोग भी चिंतित हैं कि अगर कोई होगा ही नहीं इनका राइवल ढंग से इनसे लड़ाई करने के लिए, तो फिर तो अपनी मनमर्जी चलेगी। लोकसभा में ज्यादा सीटें हैं कोई भी। अब देखिए आज भी लोग कह रहे हैं कि जब मन चाह कृषि कानून ले आए और जब मन चाह कृषि कानूनों को वापस कर दिया। नहीं नहीं, लोग चिंतित नहीं है। देखिए क्या है, कृषि कानून को लाना और वापस करना ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। लोग आज चिंतित हैं। मैं आपको बता दूं, 80 और 20 का जो फार्मूला है मैंने आपके चैनल पे बताया था, 80% लोग इसलिए चिंतित हैं कि चाइना अटैक कर रहा है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इंटरनेशनल साजिशें चल रही है, दुश्मनी चल रही है, और इकोनॉमी इंडिया की सेफ रहेगी कि नहीं। पहली चीज, लोग चिंतित हैं, अपने जान और माल के लिए चिंतित हैं। जो खतरा 25 साल के बाद आने वाला है, 30 साल के बाद आने वाला है, या 50 साल के बाद आने वाला है, वो खतरा क्या है? आप कह रहे हैं लोग जाने खगही की भाषा, आप समझ गए, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि लोगों। नहीं नहीं नहीं, लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है कि नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद, हमारा सनातन सभ्यता की परंपरा, हमारे तीज त्योहार सुरक्षित है कि नहीं है, हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है पुष्पेंद्र जी। अब इसी में समाजवादी पार्टी का एक युवा टाइप का नेता आकर के बोलता है कि 6 महीने किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब किताब लिया जाएगा। तो इससे तो जनता और भय में आ गई कि भैया ये इनकी अभी ये हालत है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जिन पत्रकारों ने जो बोला है, जिन नेताओं ने, ऑफिसर्स ने बोला है, सबका लिस्ट हमने बना के रखी हुई है, सबका हिसाब होगा। तो छवि है, छवि से उभर नहीं पाए, निकल नहीं पाए। बहुत एग्रेसिवली, बहुत एग्रेसिवली कैंपेनिंग की है आप ये कह रहे हैं। सुनिए, नहीं नहीं, गलत, एग्रेसिवली नहीं की है, रॉन्ग पोजिशनिंग, रॉन्ग कैंपेन। आप जनता को भयमुक्त करने आए हैं कि भययुक्त करने आए हैं? आप मुझे ये बताइए, जनता भयमुक्त होना चाहती है, आप भययुक्त की बात कर रहे हैं। भाई वोट आपको किसी ने नहीं दिया, किसी ने आपके खिलाफ बोल दिया तो आप उसकी गर्दन काट लेंगे, धमकी देंगे।